हम यमुना जी आ गए हैं। कगार से नीचे उतरेंगे हम लोग। नीचे चलो भी। बोट, हाँ ये देखो नीचे चल रहे हैं हम लोग। आज भी मौसी के साथ आ रहे हैं। आ जाओ, बोट है। सूख भी गई है ना यार, इतनी बारिश हुई है तो भी। अच्छा, निशी को नाव में बैठा देंगे, हम लोग गायब हो जाएंगे ना निशी। अच्छा लेकिन बहुत लग रहा है यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं आई हूँ यमुना जी देखने, तो पानी काफ़ी ज़्यादा कम है, बट हाँ यहाँ पे बहुत हरा भरा है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैंने सोचा चलो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे यहाँ की यमुना जी कैसी हैं। और पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और मैं आद्विक को भी लेके आई हूँ, क्योंकि आद्विक भी थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा इसीलिए। और चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और मेरी सिस्टर लोग भी आई हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ एंड आप लोग भी देख लोगे और इन्जॉय कर लोगे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ पे आके, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लखनऊ में इतना अच्छा मुझे नहीं लगता था, बट हाँ गाँव में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट गाँव में आने को मिलता ही नहीं है मुझे। और लखनऊ हमेशा जाते हैं बट गाँव नहीं आ पाते हैं। और ये देखिए, आप लोगों को देखने में ही लग रहा होगा कितना अच्छा है। ये देखिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। किधर साइड में चलना है गुंजन? चलो चलते हैं हम लोग साथ में। वैसे बहुत हरा भरा है ना यार, अच्छा लग रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, और यहाँ पे पत्थर काफी ज्यादा हैं। यहाँ पे डूब नहीं सकते हैं क्योंकि बीच बीच में पत्थर है यहाँ पे। आप भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। फिश हम पकड़ के लाए फिश आपके लिए, आप ये बैठो फिश पकड़ के लाते हैं। कहाँ है फिश आपके लिए? बेटा फिश। देखो आदि कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आदि अच्छा लग रहा है यहाँ पे बेटा। ओ तो क्या हुआ भैया? देखो आदि की मौसी बैठी हैं, और ये देखो सबसे छोटी मौसी। हम लोग अभी इधर आए जिधर बहुत कम पानी है उस साइड में आए हैं, और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से क्योंकि अब ज्यादा टाइम हो गया है। हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर लिए हैं। भैंस लोग भी इसी में आ गई ना यार। आदि देखो फैलो भैया, पार करके ले जाएंगे क्या गुंजन? सन चले गए साइड से, बालू लेते हैं ना। इस साइड से बालू नहीं ले सकते ना, इधर नहीं है ना, उधर ही साइड में रेत है। अब हम लोग यहीं सीधे चलेंगे जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उस साइड में। चलो चलते हैं अब नहीं, अब घर चलते हैं, लेट हो गया। और आज मैं आप लोगों को अपने गांव का भी व्यू थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। चलो चलते हैं। चलो आदि चलो बेटा, हो गया ना। काफी ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ इसलिए मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आदमी भी एंजॉय कर लिए हैं, बस घर ही पे रहते थे इसीलिए। अच्छा आ रहा है।
आदि आदि हाय 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 डरावना हाय बोल रहे हैं आदि हाय होश है कहाँ होश दिख रहा है भैया पोती हाँ काउ ने पोती किया है हाँ काउ ने पोती किया है अभी उतने ऊंचे हम लोगों को चढ़ना भी है आते समय तो आसान था चलते समय देखो कोई बफेलो को भी बुला रहे भैया बातिंग कर रही बफेलो वो देखो दिख गई चलो यहाँ पे अच्छा लग रहा है अभी ऐसे ऊपर चढ़ना है हम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत है चढ़ने में आदि कैसा लग रहा है आपको आदि कैसा लग रहा है आपको आदि काफी ज्यादा खुश है आज आज मम्मा कहाँ पे लेके आई मम्मा मौसी आदि को बस यार सच में अर्गुंजन थकान लग रही है ना पहले ये काफी पास में था अब बाढ़ आते आते कट गई मिट्टी तो काफी दूर पे चला गया कगार हम लोग कगार बोलते हैं आ जाओ ये देखो बफेलो देख रहे हैं इन लोगों का आने का मन नहीं कर रहा है आने का मन नहीं है क्या गुंजन यही पे दोनों लोग घर बना रहे हैं आदि यही घर बनाओगे क्या ये देखो आदि को इतने बड़े बड़े बच्चे देख के बोल रहे हैं बेबी आ जाओ अच्छा दादा आ जाओ आप वो देखो निशी मौसी देखो कहाँ पहुंच गई वाह शेर वेरी गुड चढ़ने दो थक जाने दो इनको दूजू है आदि हाय अरे यार बहुत थक जा रही हूँ आदि को लेके कैसे चढ़ रही हूँ उतरने में मेहनत नहीं लगी थी गुंजन लेकिन अच्छा लगा यार आके आगे फाइनली आ गए हम लोग चलो सो गाइस ये है आंटी का घर है मतलब अंकल का है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये भी अंकल का घर है दूसरे अंकल का है क्योंकि मेरे बाबा 6 भाई थे ना तो पूरे 6 बाबा का घर है ये सब लाइन से बने हुए हैं और ये बड़े पापा का घर है यहाँ पे बन रहा है अभी ये देखिए एंड ये देखिए अभी ये ऊपर भी बन रहा है इसीलिए सारा सामान फैला हुआ है इस तरीके से ये देखो गुन्नू भैया आ रहे हैं और ये भी अंकल का घर है और ये भी अंकल का घर है और ये जस्ट मेरा घर है यहाँ पे ट्रैक्टर है अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आएगा आप लोगों को और साइड में बड़े पापा का घर है इसी के जस्ट उस साइड में उधर साइड में भी मैं जस्ट बड़ी मम्मी के घर आ रही हूँ सो गाइस मैं बड़े पापा के घर पे आई हूँ और ये देखिए उनके पीछे का बैकग्राउंड देखिए घर के पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा हरा भरा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सारी सब्जियाँ हैं यहाँ पे और हर एक चीज़ का पेड़ लगा है सब कुछ ने भैया ने किया है आम वाम देखिए आप लोग ये देखिए अनार भी है साथ में वो देखिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आदि को गुन्नू भी आए हैं हाय बोलो गुन्नू
ये देखो गुन्नू की तबीयत थोड़ा डाउन है, इसलिए गुन्नू इतनी सुस्त है। और ये देखिए यहाँ पे गाय भैंस भी हैं, काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हवा भी काफी अच्छी चलती है और सारी चीजों का पेड़ है। करौंदे का भी है, ये देखिए करौंदा का भी है, और यहाँ पे देखिए नींबू का भी है। अरे बहुत ज्यादा पेड़ है। सो गाइस ये देखिए मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, ये देखिए काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हरा भरा है और देखने में व्यू भी काफी अच्छा लगता है। ये देखिए और उस साइड में अंकल का भी है, उनका भी काफी अच्छे से हरा भरा है सभी कुछ। और ये देखिए लौकी नेनुआ तर सभी कुछ बोए हुए हैं और आम भी है। ये देखिए बैक कैमरे से आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ, अनार भी है यहाँ पे, ये देखिए अनार भी लगे हुए हैं काफी ज्यादा। और ये देखिए गुलाब का फूल भी है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पपीते का पेड़ भी है, मतलब काफी सारे फल लगभग पेड़ हैं यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नींबू का पेड़ है, ये इतना बड़ा नींबू का पेड़ है, बट इस बार आया कम है, नींबू बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। और ये देखिए करौंदा का है, फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। और हाँ मैं गांव के जितने भी ब्लॉग डालती हूँ प्लीज आप लोग उसको इसकी बिल्कुल मत करिएगा, जरूर देखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा है, व्यू भी काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। इसलिए मैं देखती हूँ कहाँ का व्यू ज्यादा अच्छा, वहीं पे मैं ज्यादा वीडियो बनाती हूँ। आई थिंक ये व्यू ज्यादा आप लोगों को सबसे ज्यादा व्यू यही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा हरा भरा है और हर जगह इतना हरा भरा नहीं मिलता है देखने को। और मैं यमुना जी भी गई थी तो वहाँ का भी काफी अच्छे अच्छे व्यू थे, वो भी मैंने सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो लोग भी इतने अच्छे अच्छे व्यू देख पाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग जरूर पसंद आया, अगर आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को फोन में आ जाए। और फैमिली फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।